जैसे मोड कैलकुलेट करना, एज दे दिए, ठीक है, फटाफट। ये तो आंसर अब आप भी देख के बता पाओगे और आपका इशू नहीं जाएगा। चैट में बताना मेरे को आंसर क्या है। एज दे दिए 5 2 1 2 6 2 1 2 3 2, बताओ मोड क्या है यहाँ पे, फटाक से बोलो मोड क्या है, मोड क्या है यहाँ पे बताओ। दैट्स इट, आप ये समझ गए हो कि मोड कैसे निकाला जाता है। अगर आपको मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा देता, आपको मैं वेट देता 5 7 9 12 18 16, और साथ में मैं आपको फ्रीक्वेंसी दे देता 3 5 30 6 4 2, अब बताओ क्या मोड होता है यहां पे। अब यहां पर क्या मोड होता बताओ, आप सीख गए हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है वो मोड होता है। थर्टी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसके सामने जो वैल्यू है 9, ये मोड है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सब लोग अपनी कॉपी निकाल के रखो भी है। कैलकुलेट मोड, क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, एंड एक और दे देता हूं 50 to 60। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 3 5 9 15 6 4। अब आप देखोगे तो कल मैंने जब आपको मोड चालू कराया था तो फॉर्मूला लिखवाया था, L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into I, और यहां दिखाया था टू बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस सीरीज ओनली, सिर्फ कहां पे इस्तेमाल करना है कंटिन्यूअस सीरीज में, उसके अलावा कहीं ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अब ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिया क्लास इंटरवल, तो क्योंकि क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो इसलिए आपकी ये जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब होता है वो सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल दिया है। तो यहां पर मैंने आपको मोड का फॉर्मूला क्या बताया है, एम इज इक्वल टू एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, कल ये दिखाया था मैं, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू आई, ये मैंने कल आपको लिखवाया था फॉर्मूला, और मैंने बोला था ये सिर्फ तब यूज होगा जब क्लास इंटरवल दिया रहेगा, तो दिया है क्लास इंटरवल, इसमें यूज करना फॉर्मूला। क्या था बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी उस वैल्यू को आप मोड चुन लेते थे। अब यहां पर देखोगे तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, 15 आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, बट दिक्कत ये है कि उसके सामने कोई वैल्यू ना होकर एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है। अब क्योंकि क्लास इंटरवल दिया तो उस क्लास इंटरवल को आप 30 टू 40 को तो मोड मान नहीं सकते, तो आपको क्या करना होता है यहां पर, मोड कैलकुलेट करना होता है। अब जैसे कि आपके सामने फॉर्मूला है L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2, तो सब चीजों का मतलब आपको मैं समझा रहा हूं, समझो। F1 का मतलब होता है जो आपका सिलेक्शन आया वो फ्रीक्वेंसी, करंट फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं। जैसे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 15 है तो ये आपका एक पूरा ग्रुप बन गया, इस बेसिस पर मोड निकालना है, तो आपका 15 F1 हो गया। F0 9 है, पिछली फ्रीक्वेंसी को F0 बोलते हैं और अगली फ्रीक्वेंसी को F2 बोलते हैं, ठीक है। आपका जो ये सिलेक्टेड ग्रुप है, आपने जो गोला बना दिया उसमें ये जो 30 है ये लोअर लिमिट या L1 कहलाएगा, ये लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट L1 30 है। आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल के बीच का गैप, तो यहां पर गैप 10 का है, 30 टू 40 में 10 का गैप है, तो आपको लगभग सब चीज का मैं मतलब बता दिया। तो पुट करते हैं L1 कितना है 30 प्लस F1 मेरा कितना है जो करंट फ्रीक्वेंसी है 15 माइनस F0 मतलब पिछली फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 अपॉन 2F1 मतलब 2 multiplied by 15 30 माइनस F0 कितना है 9 माइनस F2 कितना है 6 इंटू आई, आई कितना है क्लास इंटरवल के बीच का गैप 10 का। अब इसको जब मैं बेटा सॉल्व करता हूं तो ये हो रहा है मेरा 30 प्लस 6 अपॉन 15
इंटू टेन, 30 प्लस 60 अपॉन 15, -9 -6 -15, 30 -15 15 होता है, ठीक है। ये हो रहा है 4, 30 प्लस 4 करने से आ रहा है 34। आप ये देख लो, इसकी नोटिंग कर दो, आपको जैसा बेहतर लगे आप ये करो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन की नोटिंग करो, आपको हर चीज का मतलब मैंने इस क्वेश्चन में समझा दिया है। हो जाए तो बताना कि यस सर क्वेश्चन नोट हो गया, और हो गया तो ये क्वेश्चन आप मेरे को आराम से या एक और मैं बना के दे देता हूं या फिर बनाना। चलो, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 20 का, 20 to 40 का, 40 to 60 का, 60 to 80 का, 80 to 100 का, गुड। और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 8, 20, 6, 4। और अब मेरे को बोल रहा है भाई तुम इसका क्या निकाल दो, मोड निकाल दो। तो मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में देखता हूं तो 20 है, यहाँ पे 20 मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसको एज अ ग्रुप में सिलेक्ट कर दिया। ये 20 मेरा F1 हो गया, 8 मेरा पिछली फ्रीक्वेंसी F0, 6 मेरी अगली फ्रीक्वेंसी F2, 40 मेरी लोअर लिमिट है L1 है, और क्लास इंटरवल के बीच का गैप आ रहा है 20 का। अब इसको अगर मैं फॉर्मूले में डालूं तो M = L1 + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × I। तो L1 मेरा कितना है, जो मेरा सिलेक्टेड ग्रुप है इसकी लोअर लिमिट 40 है, प्लस मेरा F1 कितना है यहाँ पर 20, F0 मतलब पिछली फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, 2F1 बोल रहा है मतलब 2 × 20 = 40, माइनस F0 कितना है 8, माइनस F2 कितना है 6, × I कितना है 20 है। तो अब इसको आगे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये कितना होगा, 40 प्लस, ये हो रहा है 12 अपॉन 26 × 20। तुम्हारा करो अपने आप को 240 अपॉन 26, तो ये तुम्हारा, एक बार मैं खुद मोबाइल से कैलकुलेट कर दूं ताकि जल्दी हो जाए। म्यूट करो अपने आप को, 240 अपॉन 26 करने से 9.23, 40 + 9.23 करने से होगा 49.23। एक और मैंने आपके लिए बना के दिखाया, आप देख दो भैया, इसकी भी नोटिंग कर दो। अमन नहीं समझ आया बेटा, तो क्या बोला सर क्वेश्चन में एफ पॉइंट में जो नहीं सर, अनम्यूट करके बोल, अनम्यूट करके बोल क्या बोल रहा है, समझ नहीं आया जो लिखा है, मेरे समझ नहीं आया, अनम्यूट करके बोल बेटा क्या बोल रहा है अमन, या व्हाट्सएप पे पूछ लेना मेरे से। ये क्वेश्चन लिख दिए क्या आप लोग, ये नोटिंग हो गई क्या दोनों क्वेश्चन की, बोलो फटाफट बोलो, नोटिंग हो गई। बाकी लोग की नोटिंग हो गई बोल रहे हो, लो ना दो क्वेश्चन आप मेरे को बना के दो, तो दो क्वेश्चन बना के दो। एक क्वेश्चन है क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60,
फ्रीक्वेंसी है 9, 6, 21, 8, 7, 4। और दूसरा क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और मैं आपको फ्रीक्वेंसी देता हूं 1, 3, 9, 6, 4। ये बना के दो ना दोनों क्वेश्चन मेरे को। हो सकती है क्वेश्चन में, लेकिन बहुत भारी पड़ जाएगा। एफ की वैल्यू पॉइंट में हो सकती है पर भारी पड़ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्लास 11 बहुत बेसिक लेवल है, नहीं पूछता। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज पॉइंट में होती है लेकिन आपको देगा नहीं कभी। लो ये दो क्वेश्चन बना के दो तो मेरे को, बताओ क्या आंसर आ रहा है। आंसर बता ये क्या आ रहा है, आपका आंसर इसमें कैसा आ रहा है, बोलना बताना। फर्स्ट का कितना बता रहे हो? ट्वेंटी थ्री करके देख देते हैं क्या जा रहा है। जेड इज इक्वल टू 20 plus 21 minus 6 upon 42 minus 6 minus 8 multiplied by 10। यही करना है अपने को, है ना? तो कितना कितना हो रहा है, 20 plus 21 minus 6 करने से होता है 15, 150 upon 28। 150 अपॉन 28 करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 5.3। 20 plus 5.3 आंसर इज 25.3। ये आंसर है बेटा, देख लो। सेकंड बना लो, ये देख लो क्या किया, समझ आया भाई? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये, तो मेरा सिलेक्टेड ग्रुप हो गया ये। L1 मेरा 20 हो गया, ये मेरा F1 है, पिछली फ्रीक्वेंसी मेरा F0 है, अगली फ्रीक्वेंसी मेरा F2 है। इनके बीच का गैप I का कितने का है, 10 का है। सारे फिगर आ गए, फॉर्मूले में डाला, बना दिया। ये आप बना के दिखा दो, आंसर बताना क्या आया। आंसर बताना क्या आया। और बाकी लोग बेटा सबसे बनना चाहिए, सबसे लड्डू चीज है ये। संध्या, सौम्या, सुप्रिया, पुलकित, प्रेरणा, पीयूष, एकदम अच्छे से सब बनना चाहिए। जब बन जाए तो मेरे को बताना, सर ये आ गया हम लोग को, बना दिए। इशिता ने बोला 13.3, बाकी लोग बताओ अपना आंसर। अब देविया ने बोला 13.3, आदित्य ने बोला 13.3, बाकी लोग फटाफट।
सुप्रिया ने बोला 13.3, अमन ने बोला 13.3, प्रेरणा का 13.3। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आंसर मेजोरिटी जो बोल रही है वही होगा, ये मेरा सिलेक्टेड ग्रुप हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो जेड इज इक्वल टू 10+9-3/18-3-6 × 5, 10+6/9 × 5, 10+30/9, तो ये आएगा तुम्हारा कितना 10.3। 10 पगला हूं मैं भी यार, कुछ भी बोलता हूं, 13.3। जैसे जमशेद जी इसको करोगे तो आएगा ना 3, आएगा ना 13.3 विल बी योर आंसर। ये आ गया होगा, बाकी लोग का भी दिक्कत नहीं गई होगी। हेमेश कैसे 32 निकाला बेटा, 13.3 आएगा ना, कितना इजी है देख। ये तेरा L1 हो गया, ये गैप कितने का आई 5 का है 10 to 15 में, ये F1 है, ये F0 है, ये F2 है, लड्डू सा एकदम, लड्डू इज वेरी स्वीट। हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान देना, आगे सुनो मेरी बात को अच्छे समझो, ये सब क्वेश्चन मेरे को फटाफट अभी बना के दो, तो आप ये क्वेश्चन बना के दो, फिर कल आपको नया मेथड सिखाऊंगा मैं मोड में, और कल मोड का समापन समारोह है। ये क्वेश्चन बनाओ, एक्स वैल्यू 5, 7, 9, 2, 5, 8, 6, एक्स वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, फ्रीक्वेंसी 3, 5, 9, 21, 6, 4, एक्स वैल्यू 9, 3, 1, 9, 2, 1, 9, 4, 9, एक्स वैल्यू 100, 200, 300, 400, 500, फ्रीक्वेंसी 6, 5, 21, 8, 4। लो इतने क्वेश्चन फटाक से बना के दो, 4 क्वेश्चन में, चारों का आंसर बताओ कितना कितना आएगा, और ये एकदम देख के आना चाहिए, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट आंसर बताओ कितना कितना आएगा। पहले क्वेश्चन में 5 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, तो 5 जो है तुम्हारा मीन है। दूसरे क्वेश्चन में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, 4 की, 4 तुम्हारा मोड है, मीन बोल दिया, सॉरी मेरी गलती, मोड है। सबसे ज्यादा क्या रिपीट हुआ, 9 मोड है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, 300 की, तो 300 मोड है। एक बार में देख कैसे बनना चाहिए, हो गया ये। अगले सेट ऑफ क्वेश्चन लो और प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा, ये नोटिंग कर लो, आपको लगे तो स्क्रीनशॉट दे दो, रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा। ये क्वेश्चन लो, इसको बना के दो, लो ये दोनों क्वेश्चन बना के दो, ये दोनों क्वेश्चन बना के दो। अरे आपकी अभी डेली अटेंडेंस भी हो रही है बेटा, है ना, ध्यान रखना, तो बीच में छोड़ना ओढ़ना नहीं, आपके स्कूल में अभी अटेंडेंस जा रही है आप लोग की, अटेंडेंस बराबर हो रही है आप लोग की, ध्यान रखना, ठीक है।
ये करो। ये क्वेश्चन बनाओ। और आंसर बताओ क्या आंसर आ रहा है? है, है। देविया बोल रही है 24.5, बाकी लोग भी निकालो। अजीजा बोल रही 24.5। कैलकुलेट कर दो आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं। अमन बोला 24.5। प्रेरणा बोली 24। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो यार ये मेरा सिलेक्टेड ग्रुप है, ये मेरा F1 है, ये मेरा F0 पिछला है, ये F2 अगला है, ये मेरा L1 हो गया 20 यहाँ पर, और मेरा गैप जो है I10 का है। तो अब मैं इसको फटाक से फॉर्मूले में डालू तो मोड इज इक्वल टू L1 है 20 प्लस 10 माइनस 5 अपॉन 20 माइनस 5 माइनस 4 इंटू गैप कितने का है 10 का, 20 प्लस 50 अपॉन 11, तो ये तुम्हारा हो रहा है सही में 24.5। ठीक है, अगला बनाओ। ये एकदम सही बना है, वेरी गुड। डेविया फोर्ट, अच्छा अगले का बता रही है, ठीक है। डेविया ने बोला 47, इशिता ने बोला 55, अजीजा ने बोला 53। चलो बना दिया गया यार, ये मेरा ग्रुप सिलेक्ट हुआ क्योंकि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यही है। Z इज इक्वल टू 40 प्लस 9 माइनस 3 अपॉन 18 माइनस 3 माइनस 7 इंटू 20। गैप आई कितने का है, 20 का है। 40 प्लस 6 अपॉन 8 इंटू 20, 40 प्लस, ब्रैकेट को हमेशा अलग सॉल्व करो ना, 120 अपॉन 8 तो आपका कितना आ रहा है 120 अपॉन 8 करने से 15 आएगा ना 120 अपॉन 8 करने से। जमशेद जी देख लो एक बार आप भी चार के। फोर्टी प्लस 15 55 आंसर आएगा इसका, 55 आंसर आएगा इसका, 55 आएगा आंसर, ध्यान रखना। कैलकुलेशन पे थोड़ा जोर देना, और प्रैक्टिस शीट में जितने कंटिन्यूस सीरीज वाले क्वेश्चन थे वो बना देना आज, जो प्रैक्टिस शीट भेजा था उसमें क्वेश्चन थे, देख लो एकदम अच्छे से। यहाँ पे आई का गैप 20 का है, इसमें कंफ्यूज हुए होगे शायद आप। 20 का गैप है, आपका L1 यहाँ पे 40 है, आपका ये F1 है, ये F0 है और 7 F2 है। That's it for today. ये आप करो, कल मोड में नई चीज सीखेंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए। ये आप करो। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय। ये आप करो।